हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको साबूदाना खिचड़ी के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत खिली खिली बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। सो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम तेल गरम कर रहे हैं कढ़ाई में। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है, बट वो डिपेंड करता है कि कोई तेल खाता है कोई घी खाता है, इसीलिए। सो मैंने इसमें तेल डाला है 1 चम्मच, छोटा टेबल स्पून, और फिर उसमें मैंने शेंगदाना डाला है उसे भूनने के लिए थोड़ा सा। तो ये कैसे थोड़ा सा भुंजा भी जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में, इसीलिए मैंने सबसे पहले शेंगदाना डाला था। साबूदाना को मैंने रात में भिगो के रखा था दही के साथ में। एक्चुअली दही में भिगोने से ये ना बहुत फरफरा होता है, और देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फूलता है ये एकदम, और ये बनाने पे भी बहुत खिला खिला सा बनता है, मतलब इसके सारे सारे दाने अलग अलग रहते हैं। और इसमें ये एक उबला आलू है, संभार है और हरी मिर्ची है। जितना तेज आप खाना खा सकते हो या जितना आपको तेज चाहिए उतना आप ले सकते हैं। सो देखिए अब ये थोड़ा सा भुंजा गया था सेंगदाना, तो मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा मैं पहले इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि वो जल जाता है तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, तो इसीलिए मैं जीरा बाद में ही डालती हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्ची, आलू और सांभार, ये तीनों मैं डालूँगी। अभी देखो मैंने हरी मिर्ची ही डाला है, उसको थोड़ा भूंज रही हूँ मैं हरी मिर्ची को, थोड़ा वो पक जाए हरी मिर्ची, पका भी नहीं मतलब थोड़ा सा भुंजा जाए ऐसे तो उसका टेस्ट आता है। सो उसको मैं भूंज रही हूँ सिंगदाने के साथ और जीरे के साथ अच्छे से। अब देखो मैं उसमें आलू डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से पकने दूंगी मैं। इसे अच्छे तरीके से भूंजने से कैसी आलू में भी फ्लेवर आ जाता है हरी मिर्ची का, और वह अच्छी तरीके से पकने लग जाता है। वैसे तो उबला हुआ ही है वो, बट उसे हल्का सा भूंज रहे है बस तेल में ऐसे ही। सो देखिए अब मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया, वो आलू तो पूरा पका हुआ ही था, बस थोड़ा सा हल्का सा भूंज रहता है उसको। इसमें डाल दिया साबूदाना और फिर डाल रही हूँ अभी नमक इसमें। नमक के बाद हल्का सा इसमें शक्कर डालना, जिसका टेस्ट आता है खाने में अच्छा सा, और इसका टेस्ट ही कुछ अलग सा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी काली मिर्च डालना, चुटकी भर भी डाल सकते हो आप काली मिर्च, उसका एक अलग सा फ्लेवर आता है साबूदाने में जो खाते हैं जब अपन, तो अपने मुंह में ही अलग सा फ्लेवर आता है उसका वाला। सो आप इसे बनाना एक बार और ट्राई ज़रूर करना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये कैसा बना था। सो अब ये सारा नमक जो डाले थे, शक्कर डाले थे, काली मिर्च डाले थे, उन सबको पूरा मिक्स कर रहे हैं ताकि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। देन फिर उसके ऊपर जो सांभार कटा हुआ था वो डाल दिए हैं। सांभार डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सांभार का फ्लेवर पूरा मिक्स करने पर ही आता है। सो हम सबसे लास्ट में ही डालते हैं सांभर, ये जब पकता रहता है तभी डालते हैं। अभी देखिए साबूदाना आपको थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा, तो ये पकने के बाद किस तरीके का दिखेगा ये भी आपको आगे दिख जाएगा। सो इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी बना था, और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, वैसे तो बहुत टाइप का बनाती हूँ, बट मैंने अभी फटाफट जो बनाया था तो मैंने शूट करके आपको दिखा दिया। सो मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए अभी आप इसका कलर, जो मैंने पहले बोला था कि ये थोड़ा वाइट वाइट दिखता है पकने के बाद इसे कलर चेंज हो जाता है, तो ये देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा लगता है। तो ये जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है पकने के बाद, तो समझ जाइए कि वो अच्छे से पक चुका है। सो आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिले। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय साई राम। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और सेफ रहिए।